लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के सिर्फ छोटे भाई ही नहीं थे, बल्कि वह श्री राम की परछाई थे। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, तब हर बच्चे की तरह भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न रोने के बाद चुप हो गए थे, परंतु लक्ष्मण जी लगातार रोते ही रहे थे और तब तक रोते रहे थे जब तक उन्हें भगवान श्री राम के पास नहीं लिटाया गया था। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से यह कह दिया था कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हमेशा अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की परछाई बनके ही रहेंगे। इसी कारण ही जब केकई के वरदान मांगने पर भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी भगवान श्री राम और देवी सीता के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। जब लक्ष्मण जी के इस निर्णय के बारे में उनकी पत्नी उर्मिला को पता चला तब वह बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उन्हें यह तो पता चल ही चुका था कि उनके पति लक्ष्मण किसी भी प्रकार से रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि वह भगवान राम और देवी सीता को कभी भी अकेले वन में नहीं जाने देंगे। इसलिए उर्मिला भी उन सभी के साथ वन में जाने को तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हुए यह कहा था कि मैं वन में बड़े भाई राम और भाभी सीता जी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। यदि वन में तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी सेवा में विघ्न पड़ेगा और मैं ठीक प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी के उस सेवा भाव को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला ने उनकी बात मान ली थी और उनके साथ वन नहीं गई थी। चित्रकूट नामक वन में पहुंचकर लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से एक आश्रम का निर्माण किया था। एक रात जब भगवान श्री राम और देवी सीता अपनी उस कुटिया के भीतर विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर धनुष बाण लिए हमेशा की तरह पहरा दे रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने मन ही मन देवी निद्रा का स्मरण किया। लक्ष्मण जी के स्मरण करने से देवी निद्रा उनके सामने प्रकट हो गई। तब लक्ष्मण जी ने देवी निद्रा से यह विनती की कि वह उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। तब निद्रा देवी ने उनकी यह इच्छा स्वीकारते हुए कहा कि उनके हिस्से की निद्रा किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने देवी निद्रा से विनती की कि वह उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दें। कहा जाता है कि देवी निद्रा की इस कृपा से लक्ष्मण जी पूरे 14 सालों तक जागते रहे थे और उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक अधिकतर समय सोती रही थी। आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि उन 14 वर्षों में भगवान श्री राम के साथ क्या क्या हुआ था। लंका के राजा रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया था और भगवान श्री राम ने वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करके रावण समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया था और अपना वनवास पूरा करके देवी सीता जी के साथ अपने देश अयोध्या वापस आ गए थे। अयोध्या वापस आने के बाद जब भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा था, तब उस राज तिलक के समारोह में सभी के साथ देवी उर्मिला भी उपस्थित थी, परंतु देवी निद्रा के वरदान के कारण वह निद्रा की अवस्था में ही थी। इस कारण उर्मिला की स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी जोर से हंस पड़े थे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार जोर से हंसने के कारण समारोह में उपस्थित सभी लोग हैरत में पड़ गए थे। सभी ने जब लक्ष्मण जी से उनके हंसने का कारण पूछा, तब लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताते हुए कहा कि उर्मिला अभी भी निद्रा में है, अभी मैं जब उबासी लूंगा तभी उर्मिला की निद्रा भागेगी। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़े थे। सभी लोगों के हंसने की आवाज सुनकर उर्मिला समझ गई थी कि सभी उस पर ही हंस रहे हैं। इस कारण वह
लज्जावश समारोह से बाहर चली गई थी।